My YouTube family, I hope you all are doing super great. This is Vlog by Jia and welcome back to my channel and welcome back to this new vlog. So, आज मैं फिर से आपके साथ अपना सहरी टू स्टार रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें नॉर्मल रूटीन वाला ही सब होगा, कुछ खास बात नहीं है. हाँ, बट मैं स्टार में कुछ अच्छा बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी. ठीक है, ये हो गया. और अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ हाफ फ्राई. मैं सहरी करूँगी, इसके बाद मुझे बनानी है सबके लिए लस्सी. सब लस्सी पीते, मैं नहीं पीती. मैं ग्रीन टी पीऊँगी अपनी और मैं वो वापस इफ्तार में ही पीती हूँ. ठीक है, और बाकी आप सब बताएं क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है. सहरी कुछ कर लेती हूँ 3 बजे तक. हाँ, 3 साढ़े 3, इससे ज़्यादा लेट नहीं करती मैं, पहले कर लेती हूँ. फिर बहुत हैवी फील होता है और फिर नींद नहीं आती मुझे कुछ मैं ऐसा खा लूँ तो. और फिर ग्रीन टी पीनी होती है, इससे भी अच्छा हज़म हो जाता है. नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर सोना होता है. अगर टाइम मिलता है तो मैं ना कुरान पढ़ लेती हूँ. वैसे मेरी इस वक्त हिम्मत नहीं होती रात के वक्त ना पढ़ने की, और फजर में भी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती. मैं रोज़े से पहले पढ़ती हूँ, जैसे रोज़ा खुलने से पहले. तो ये मेरी टाइमिंग्स हैं. बाकी कभी जब हिम्मत हो तो पढ़ भी लेती हूँ. तो ये है, अभी मैं ग्रीन टी पी रही हूँ. फिर मैं बनाऊँगी लस्सी. लस्सी तो नहीं होती, छाछ होती है किस्म की, उसमें दूध नहीं डलता, पानी डलता है. वो बनानी है, फिर सबको सहरी करवानी है, फिर नमाज़ पढ़ के सो जाएंगे. नमाज टाइम, फजर की नमाज़ पढ़ रही हूँ. आपको बर्ड्स की सारी आवाज़ आ रही होगी, कितनी प्यारी लगती है. तो नमाज़ पढ़ के शायद थोड़ा सा सिपारा पढ़ लूँ, आधा रह गया था मेरा, फिर मैं सोऊंगी. इसके साथ ही मैंने काम वगैरह कर लिया था और अब बज रहे हैं कुछ 4 और मैं मैक्रोनीज बना रही हूँ. ये मैक्रोनीज को मैं बॉईल कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सी बनाऊंगी. आज हमने सोचा है हम मैक्रोनी खाएंगे, नो फ्राइड आइटम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब थक गए हैं. मतलब बस हो गई है कि अब ये सब नहीं खाना, तो सिंपल सी मैक्रोनीज खाएंगे और जूस वगैरह बस. और हाँ, अम्मी ने एक कस्टर्ड बनाया है सिंपल, रफान का जो कस्टर्ड होता है, मेरे यहाँ सिंपल कस्टर्ड बहुत पसंद करते हैं, तो वो बनाया है आज. और मैक्रोनी बस, तो मैं इसे बॉईल कर रही हूँ. पूरा 1 पैकेट मैंने बॉईल किया है, तो इसमें उबाल आ जाएगा. फिर मैं इसे थोड़ा सा हिला के अपने चिकन काट लूँगी. वो चिकन मैंने डिफ्रोस्ट करने रखी हुई है और फिर इसका मसाला बनाऊंगी और सारी वेजिटेबल्स काटूंगी और फिर मुझे जूस बनाना है. मैक्रोनी 75% तक बॉयल हो चुकी हैं, अब मैं इसे निकाल लूँगी. फिर थोड़ी सी उसमें भी पकेंगी, मसाले में भी. तो ये इसका मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने चिकन को भी वॉश कर लिया है. मैं यहाँ पर मसाला बनाने लगी हूँ. उसका कढ़ाया मैं देखूँ कहाँ रख. ऐसे रखना. ऑयल डालेंगे अपने अंदाजे से, ले लें मैंने यहाँ कितना लिया है, 6-7 टेबल स्पून जितना लिया होगा ऑयल मैंने. ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी. चिकन मेरा ये रहा चिकन. ये कुछ मुझे हिसाब नहीं पता कितना है, बट मैंने सारी बोनलेस को बिल्कुल छोटा छोटा कट किया ताकि वो हर बाइट में हमारे पास चिकन मिले हमें. ठीक है, तो ये मैंने साफ सुथरे वॉश करके इसमें ऐड कर दी. अब चिकन अपना कलर चेंज करने लगेगी तो हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे. आप
फ्रेश गार्लिक ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा है, बट मेरे पास अभी पेस्ट है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, टाइम भी नहीं है इतना। उसके बाद मैं सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी इसमें। चिकन ने अपना कलर कम्प्लीटली चेंज कर लिया तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना, और अगेन मिक्स। एक हाथ से शूट करना बहुत मुश्किल काम है यार, कोई काम करो तो दूसरा हाथ भी हिल रहा होता है, और मेरे पास कोई है भी नहीं जिससे मैं शूट करवाऊँ, खुद ही करना है सब। और मैं इसमें नमक, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और टिक्का मसाला ये सब ऐड करती हूँ, वो भी दिखाती हूँ, फिर सॉसेस ऐड करूँगी। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रख दिए हैं जो मैक्रोनी में डालने हैं, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, हॉट सॉस और चिकन पाउडर और चिली गार्लिक सॉस सबसे एंड में डालूँगी, और टिक्का मसाला कहाँ गया, ये रहा, तंदूरी मसाला ऐड करूँगी, टिक्का तंदूरी जो हो आप ऐड कर सकते हैं, दोनों बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं इसमें। टैंक बनाने बैठी और टैंक ख़त्म हो गया, और बंदरों की तरह ऊपर चढ़ के देखती हूँ है कि नहीं, और शुक्र है। टैंक में थोड़ा सा नमक भी डालती हूँ तो नमक डालूँगी, और आज मैं रूह अफज़ानी बना रही, सिर्फ टैंक बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आज काफ़ी कम लोग हैं और जो लोग हैं वो टैंग ही पीते हैं, रोबज़ा वाले आज दावत पर गए हैं। थोड़ा सा नमक, मेरा टैंग भी रेडी हो गया, और इसके बाद मुझे क्या करना है, थोड़ी सी सफाई कर लूँगी किचन की। मैक्रोनीज भी पक रही हैं अभी इसके चिकन, उसके बाद वेजिटेबल्स ऐड करनी है, और बिल्कुल लास्ट में मैं मैक्रोनी ऐड करूँगी। आज स्टार के वक्त ज़्यादा काम नहीं होगा तो टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल एंड में मैं ऐड करके फिर जाऊँगी। डीप पानी ऐड किया था और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद जब मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी इसके बाद मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करूँगी और फिर मैक्रोनीस। तो अभी मैं इसका काम तो हो गया पूरा, और हाँ सेकेंडली मेरी अम्मी ने आज कस्टर्डी बनाया है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। उन्होंने रफान का बनाया है कस्टर्ड सिंपल वाला प्लेन, एक ये पोल बनाया है और एक ये वाला, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया है। मेरे घर में सब ऐसा ही पसंद करते हैं, कोई उनको फ्रूट्स केक वाला ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं बस एक ओरियो वाला बनाती हूँ जो सबको पसंद है, बट ये येलो वाले कस्टर्ड में वनीला में कहते हैं वो कुछ ऐड ना करो, तो ये बनाया है आज। और ये इतना सारा मैस कौन साफ करेगा, उसको अभी हो जाएगा, हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? और ये हो गया साफ, कैसा मेरा सारा हो गया है, बस यहाँ लास्ट सफाई हो रही है, उसके बाद मैं नमाज पढ़ूँगी, अजान का वेट हो रहा है, असर की अजान का, जोहर की तो कब की पढ़ ली थी, काम भी हो गया, और नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा लेटूंगी, थोड़ा सा चिल विल करूँगी या सिपारा पढ़ लूँगी अगर टाइम मिला तो, और इसके बाद मैं फिर से किचन में जाके थोड़ी बहुत तैयारी करूँगी। तब तक मैं बस यहाँ बैठी हुई हूँ, अजान का वेट कर रही हूँ। आपसे बताएं आपकी ईद की शॉपिंग हो गई,
बाकी मार्केट्स में तो बहुत रश है सुना है, अभी तक मैं गई नहीं हूँ। मैं जाऊँगी, मुझे ज्वेलरी और कुछ शूज़ वगैरह लेने हैं अपने लिए। ईद में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, इस दफ़ा भी मैंने एक नहीं दो सूट बनवाए हैं। एक तो मैंने जो फ़र्स्ट ईद के लिए बनवाया है उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो शूट की है आप सबके लिए, मैंने कहाँ से बनवाया और किस तरह से कपड़ा लिया, क्या किया, स्टिच कैसे करवाया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताएं, मैं वो वीडियो जल्द शेयर करूँगी, शायद इसके बाद ही कर दूँ, इस वीडियो के बाद। और इसके अलावा जो जिन जिन ने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा है उसमें मुझे जो गिफ्ट आए थे बर्थडे में ड्रेसेस, वो भी स्टिच होके आ गए हैं, कल मैं कल ही लेकर आई हूँ। तो मैं वो आपको इफ्तार के बाद इंशाल्लाह दिखाती हूँ वो किस तरह से स्टिच हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। सही है, और आप सब बताएं ईद की तैयारी हो गई, क्या क्या लिया और कहाँ से शॉपिंग की, मुझे भी ज़रा आइडिया दें। और सेकंड ये बात करनी थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो स्टे हाइड्रेटेड, मार्केट वगैरह भी जा रहे हैं तो पानी ज़रूर रखें साथ। और बहुत से लोग तो रोज़े में भी शॉपिंग कर लेते हैं बट हम नहीं कर पाते, मैं तो रोज़े के बाद ही जाती हूँ, बल्कि मैं ईद से वो रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ शॉपिंग ताकि नहीं जाना पड़े, बट कोई ना कोई काम हो ही जाता है तो मैं हमेशा इफ्तार के बाद जाती हूँ। और जाती भी हूँ तो पानी वगैरह लेके जाएं, जूस वगैरह पीते रहें। मैं रमज़ान से पहले गई थी तब भी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन भी। और अगर आप मॉल नहीं जा रहे तो बहुत कोई लोकल मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पता चलती है गर्मी की, मॉल्स वगैरह में तो एसी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट मैं गई थी और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मुझे चक्कर आ गए थे, बहुत मेरी हालत ख़राब थी। मैंने जूस वगैरह पिया तब जाके मैं ठीक हुई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं लेटने जा ही रही थी कि मुझे याद आया कि मुझे नगेट्स बनाने हैं रात में, तो क्यों ना उसका आधा काम मैं अभी से करके रख दूँ। तो मैंने चिकन साफ़ कर ली है, अब मैं सारे मसाले इसमें डाल के इसे पीस लूँगी और अम्मी इसको शेप दे देंगी, और मैं रात को फिर इसके साथ इसके ऊपर कोटिंग वगैरह करूँगी, और बॉक्स पेटीज भी बनाने हैं रात में तो वो भी कर लूँगी। ठीक है, तो अब मैं इसके साथ स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी डिटेल में मैंने नगेट्स की शेयर की हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, अभी मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही। देखें ज़रा, आज हमने फ्राई नहीं बनाया तो ये नेबर्स के यहाँ से आ गया, यही होता है रमज़ान में, कुछ अगर ना भी बनाओ तो वो भी आ ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई पुडिंग है आई थिंक, और ये कोई फ्राई आइटम है, कोन लग रहे हैं और बॉक्स पेटीज हैं, तो ये भी इफ्तार में रख देंगे। और इसके अलावा अम्मी ने वेजिटेबल्स भी काट ली हैं, कट रही हैं, बल्कि मैंने शिमला मिर्च और गाजर ऐड करनी है और गोभी नहीं ऐड करी मैं आज, सिर्फ ये दोनों चले जाएंगी। और मैं इसका चूल्हा ऑन करती हूँ और उसके बाद इसमें सब ऐड कर देते हैं।
फिर से मैजिक करें, 1 2 3। मेरे ड्रेसेस जो टेलर के पास आ गए थे एक दिन पहले, मैं आपको वो दिखा रही हूँ। एक ये ग्रे ड्रेस है, इसमें मैंने स्लीव में फ्रिल लगाई है और ट्राउज़र में भी मैंने फ्रिल लगाई है। बेसिकली मैं ट्राउज़र से पहनती नहीं हूँ, मैं पैंट पहनती हूँ, स्ट्रेट सिगरेट पैंट, उस पर मैंने लगवाई है। और अभी प्रेस भी होके आया था, अभी मैं 2-3 दफ़ा खोल लिया ना, तो उसकी सारी ख़राब हो चुकी है। और दूसरा ये ड्रेस था जिसमें ब्लू ग्रे दोनों कॉम्बिनेशन था, मैंने दुपट्टे इसके मैचिंग के बनवा लिए थे, ये 2-2 पीसेस थे और उसकी स्लीव्स बहुत प्यारी बनाई थी उन्होंने। और ये अप एंड डाउन वाला जो स्टाइल होता है वो था, आगे से शॉर्ट पीछे से लॉन्ग। और ये इसकी सिगरेट पैंट थी, उन्होंने साइड पे इसकी जो ड्रेस की ना लगा दी थी, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके अलावा एक तीसरा था ब्लैक, वो मैं आपको पूरा शो नहीं करूँगी, मुझे पहनना है, मैं तभी दिखाऊँगी आपके साथ। हाँ, अम्मी नगेट्स को शेप दे रही हैं, ये सारे मैंने बनाए थे जिसका बैटर। और 9 बज गए, मैं जा रही हूँ वॉक पर, तब तक आऊँगी तो ये काम भी हो चुका होगा। उसको थोड़ी देर फ्रीज करके फिर इस पर कोटिंग करनी है, वो मैं आके करूँगी। All set to go for walk. Let's go. अभी अभी घर आई हूँ और आपने देखा ही होगा मैंने जो फ्रूट की क्लिप लगाई थी, फ्रूट्स वगैरह लिए। और घर आई तो मेरे अब्बा ने मेरे लिए ये बादामें काट के रखी हैं, इतनी खुशी हुई देख के। और मैं अभी खाने लगी हूँ, इसके बाद तो कुछ नहीं खाया, अब मैं खाऊंगी तरबूज, मेरा फेवरेट, ये खाऊंगी। और तब तक मैंने यहाँ तैयारियाँ भी कर ली हैं मेरे रेसिपी शूट के लिए, जिसमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स मेन हैं, तो मैंने इनको काट वाट के रख लिया है। चिकन भी बॉईल कर ली है, आलू बॉईल करके इसको भी कर लिया है। और नगेट्स की भी मुझे करनी है कोटिंग, ब्रेड क्रम्स की वो करूँगी और उसके बाद ये करूँगी, इसके बाद मैं बैठूँगी आराम से। बॉक्स पेटीज भी बन गए हैं और नगेट्स भी बन गए हैं, दोनों पे कोटिंग भी हो गई है, इस पे तो कोटिंग करनी नहीं थी। और इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ, हो सकता है इस ब्लॉग से पहले आ जाए या इस ब्लॉग के बाद, मुझे कुछ नहीं पता, आइडिया नहीं है। जो जिस तरह से एडिट हो जाएगी मैं जल्द पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। सो अब मैं इसे पूरे एक दिन के लिए फ्रीज करूँगी ताकि ये हार्ड हो जाए, फिर मैं उसको जिप लॉक बैग में डाल के उसे फ्रोज़न कर देंगे, हम फ्रीज कर देंगे। और ये वाले बॉक्स पेटीज को भी इस तरह कुछ करना है। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, 2 बज गए हैं, बल्कि 2:30 बज गए हैं, फिर सैरी के लिए वापस खड़ा होना ही है। सो इसे मैं ऊपर रखने जा रही हूँ और मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर 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 करें, और मुझे सपोर्ट करें बहुत ज़्यादा, मुझे दुआ में याद रखें। और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं आप वो कॉमेंट करके बताएँ। सो दैट्स इट फॉर द डे, आई होप यू ऑल लाइक दिस ब्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।